फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर व्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोगों की होली कैसी रही, कैसा रहा आपका ये त्यौहार? आपने मेरी वीडियो में देखा, हमारा तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हमने होली मनाई। मतलब सारे फ्रेंड थे, मैंने घर पे भी अपने मम्मी पापा और भाई को कलर लगा के आया था, आपने देखा होगा वीडियो में। मतलब हमने बहुत अच्छे से होली मनाई, बहुत अच्छा रहा ये त्यौहार। तो अभी मैं कुछ एक लाइट लेके आया हूँ, जो आपने मेरी RR310 में वीडियो में देखा होगा, गुप्ता एसेसरीज के नाम से है शॉप, उनसे एक लाइट लेके आया हूँ अपनी बाइक के लिए। मेरी बाइक में जो लाइट पहले लगी हुई है वो हो चुकी है ख़राब, तो उसके अंदर ना एक बहुत छोटी सी लाइट लगी हुई है, मैं उसको हटा के एक बड़ी लाइट लेके आया हूँ, वो लगाता हूँ उसके अंदर, देखते हैं लाइट चलती है या नहीं, वो ठीक से रोशनी देती है या नहीं। तो चलो मैं आपको बाइक में लाइट दिखाता हूँ पहले कौन सी है, अभी तो फिलहाल ये लाइट दिखाता हूँ आपको जो मैं लेके आया हूँ। ये है वो लाइट जो मैं लेके आया हूँ गुप्ता एसेसरीज से। तो इसको लगाएंगे अंदर, और जो उस लाइट के अंदर लगी हुई है ना लाइट, वो हम निकाल लेंगे और इसको फिट करेंगे। और मैं लेके आया था ये अपना वार्निंग का एक, जो पीछे बाइक के हैंग करना है, इसके पीछे एक्टिवा लिखा हुआ है, एवेंजर का आता नहीं है, तो मैंने यही ले लिया। और ये मैंने की चेन ली थी, मतलब ये मुझे अच्छी लगी वहाँ पर, तो मैंने ले ली। और वो भैया थे गुप्ता एसेसरीज वाले, एक्चुअली उनका नाम राजू है, मैंने उनको मॉर्निंग में कॉल करा था कि भैया ऐसे ऐसे मेरी लाइट ख़राब हो गई बाइक की, आपके पास लाइट है? तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, काफ़ी तरीके की लाइट है, मैंने देखी भी थी वहाँ पे। तो मैं लेने गया उनको, फटाफट करवा गया और लेके आया। अब मैं आपको बाइक में दिखाता हूँ कौन सी लाइट ख़राब हुई है और कैसे मुझे एक्सचेंज करनी है। बाइक की जो लाइट ख़राब हुई है वो है ये वाली, इसके अंदर एक बल्ब होता है वो वाइट कलर का, बहुत छोटा सा बल्ब है, वो ख़राब हो गया है। इसका ख़राब हुआ है, इसका ठीक है। तो मैंने खोल के देखा था, इसको चेंज कर सकता हूँ काफ़ी, तो चलो दिखाता हूँ आपको खोल के। देखो ये ख़राब हो गया है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ख़राब हो गया। तो चलो दिखाता हूँ आपको एक्सचेंज करके लाइट कामयाब होती है या नहीं। घुमा घुमा के खोल लिया है, देखो। तो जो ये वाला बल्ब है, ये वाला, ये हो गया ख़राब। ये रेड जलता है, ब्लू जलता है, ये भी रेड ब्लू जलते हैं दोनों, तो अब ये जलते नहीं है, ख़राब हो गए। तो मैं सिर्फ ये वाला, इस प्लेट को पूरी को बाहर निकाल दूंगा और वो अपनी जो लाइट लेके आए वो फिट करूंगा इसके अंदर और देखूंगा जलती है या नहीं, दिखाता हूँ आपको। चलो करता हूँ इसको चेंज। इसमें मैं ये लगा के देखता हूँ, अभी रोशनी का पता नहीं चलेगा क्योंकि दिन हो रहा है, तो इसको रात को देखेंगे हम कितनी तेज़ चल रही है, क्योंकि पहले वाली तो बहुत दूर तक जाती थी, अभी इसका पता नहीं। कि मैंने इसलिए चेंज नहीं करी क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी लाइट है, तो मैंने सोचा इसके अंदर का ही बल्ब चेंज कर देते हैं, बाकी हो गया सही है। और मैंने अभी एक ही लाइट चेंज करी है क्योंकि एक ही ख़राब थी, पहले इसको देखते हैं इसमें कितनी रोशनी थी,
फिर कल इसको चेंज करेंगे अगर इसकी रोशनी अच्छी होगी तो, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। चलो अभी रहने देते हैं, अभी पीछे का वो लगा देते हैं फ्लैप, ये लगा देता हूँ। ये लगा देता हूँ इसमें वार्निंग करके, क्योंकि मैंने पहले भी यहीं पर लगा रखा था, लेकिन मैं इसको टाइट करके लगाऊंगा थोड़ा, ताकि जो टायर है अपना टायर के अंदर वाला पिछले वाला टायर में लग लग के ख़राब हो। लग गया अपना वार्निंग का, ये लगा दिया मैंने यहाँ नंबर प्लेट के पास। बाइक थोड़ी गंदी हो रही है, इसको साफ कर लेंगे। तो भाई पहले जो लाइट लगी थी वो ये वाली थी, ये बीच वाली ख़राब हो गई थी, जल नहीं रही थी। देखो ये जंग भी लगा हुआ है बहुत, तो मतलब ख़राब हो गई थी। और ये साइडों वाली जो लगी हुई है सारी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल के वो बल्ब लगा दिया। अब रात को चेक करेंगे कितनी तेज़ रोशनी है उसकी, क्योंकि मैंने ये वाला चेंज कराया, ये वाला चेंज नहीं कराया, ये ठीक है अभी। अगर इसकी रोशनी तेज़ होगी तो हम वो भी चेंज कर देंगे फिर। चलो अब रात को देखते हैं।